हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो? मैं आपका साथी डॉक्टर त्रिपाठी, और हम आज आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों की जो डेरिवेशंस है, ताकि आप याद कैसे रख पाएँ, उस पे चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री अपने आप में इतना बड़ा चैप्टर, इतने सारे फॉर्मूले, और बच्चे तमाम तरह से प्रॉब्लम में आते। तो आपको कुछ फॉर्मूले तो बेसिक आपको याद ही है, मुझे कहने की बात ही नहीं है। आपको ये वाला फॉर्मूला सबसे प्रिय है, कौन सा वाला है? आज हमने फॉर्मूले फॉर्मूला पे डिस्कशन है दोस्तों, आज सारे फॉर्मूले डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपका झगड़ा ही मिट जाएगा। साइन ए प्लस बी होता है साइन ए, कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, बराबर बात ये आपको आता ही है, इसमें कोई बात ही नहीं है, इसमें ये कोई डाउट नहीं है आपको। और साइन ए माइनस बी भी आता है, अब आपका समय भी बचाते, लिख देता हूं मैं डायरेक्ट। साइन ए माइनस बी कितना होता है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये आपका फॉर्मूला। ये दो तो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, मुझे मालूम है। अगर आप इन दोनों को ऐड कर दो, अब हमारे फॉर्मूले बनने चालू होंगे, है ना? तो आप मेरे साथ बने रहना आखिरी तक, ठीक? तो फॉर्मूलों के आप मास्टर हो जाओगे। अब हम क्या करें, यहां पर वन और टू को ऐड कर देते हैं दोस्तों। वन प्लस टू, वन और टू को ऐड कर दिया, तो वन और टू को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास? हो जाएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, बन गया आपका साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। और कौन सी चीज आई आपके पास? अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आएगा टू साइन ए कॉस बी, तो इज इक्वल टू है टू साइन ए कॉस बी, टू साइन ए कॉस बी। और एक बार जब आप इसको माइनस कर दो, वन में से टू को माइनस कर दो, तो हो जाएगा आपके पास साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी। तो आपके पास आएगा, जब आप इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, टू कॉस ए साइन बी, टू कॉस ए साइन बी, ये आ गया आपके पास। अब अगर दोस्तों एक ही जगह आप वो लिख दो, एक ही जगह क्या मान लो आप, ए को मान लो आप सी प्लस डी बाय टू, और बी को मान लो आप सी माइनस डी बाय टू, अगर ऐसा मान लो तो, और ये जो नई जो इक्वेशंस आई हैं, नए फॉर्मूले हैं, इनको नंबर दे देता हूँ मैं फोर, और नंबर दे देता हूँ इसको फाइव। तो ए की जगह अगर सी प्लस डी बाय टू और बी की जगह सी माइनस डी बाय टू मान लो तो यहाँ पे ए प्लस बी लिखा है, तो ये क्या बन जाएगा आपका? आपका फोर हो जाएगा साइन सी प्लस डी बाय टू प्लस सी माइनस डी बाय टू प्लस साइन सी प्लस डी बाय टू माइनस सी माइनस डी बाय टू। और राइट साइड में आ जाएगा आपके पास टू साइन सी प्लस डी बाय टू कॉस सी माइनस डी बाय टू। अब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखो डी डी कैंसिल हो जाएंगे आपके, ये डी से ये डी कैंसिल, सी बाय टू क्या बन जाएगा आपका? साइन सी प्लस, इसमें देखो सी सी कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो सी सी कैंसिल हो जाएंगे आपके, तो डी बाय टू और डी बाय टू आपके पास बचेगा साइन सी प्लस साइन डी। अब आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है और नहीं, देर नहीं होगी, आप चिंता नहीं करो। ये आ गया आपके पास टू साइन सी प्लस डी बाय टू कॉस सी माइनस डी बाय टू, ये आपको मालूम है कि एक में प्लस होता है एक में माइनस होता है। अब जो दूसरा वाला है उसको डायरेक्ट लिख देते हैं, दूसरे वाले को देखो, ए इज इक्वल टू सी प्लस डी बाय टू और बी इज इक्वल टू सी माइनस डी बाय टू रखा हमने फोर और फाइव में, फोर एंड फाइव, किस में रखना है इसको? फोर और फाइव में, तभी तो फोर में रख दिया, अब फाइव में डायरेक्ट लिख दो, क्या लिख दोगे यहाँ पे?
साइन सी, देखो यहाँ पे आ जाएगा साइन सी, माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन डी, और क्या बन गया आपका टू कॉस। देखो क्यों कॉस बना, क्योंकि यहाँ पे कॉस है, और ए की जगह आ जाएगा सी प्लस डी बाय टू, और साइन सी माइनस डी बाय टू। आप मेरे साथ रहें बिल्कुल, आप चिंता बिल्कुल नहीं करें, आपके फॉर्मूले और आपकी सारी चीज़ें एकदम धड़ाधड़ आ जाएंगी। देखो कैसे आती हैं। अब ध्यान से बिल्कुल पूरे दिमाग को स्थिर रखना है अपने को, पूरे दिमाग को स्थिर रखना है। एक बात समझ में आ गई अपने को, जब साइन सी प्लस साइन डी होगा तो एक तो ये चीज़ आएगी आएगी, ये जगत सत्य पूरी दुनिया में मालूम है कि ये आएगा, और दूसरी बात है कि सी प्लस डी बाई टू आएगा, और एक में सी माइनस डी बाई टू आएगा। पर पहले साइन आएगा कि पहले कॉस आएगा, कि दोनों साइन आएंगे कि दोनों कॉस आएंगे, बच्चों को इसी का कन्फ्यूज़न होता है। तो मैं आपको बताता हूँ, ये फॉर्मूले को नोट करो, ये फॉर्मूले को दिमाग में चढ़ा लो। ये फॉर्मूले को दिमाग में चढ़ा लिया क्या? ये फॉर्मूले को अगर आपने दिमाग में चढ़ा लिया तो ये वाला जो भाग है, कौन सा जो फर्स्ट पार्ट है, वो सी प्लस डी के लिए बना है। किसके लिए बना होगा? साइन सी प्लस साइन डी। और दूसरा वाला भाग किसके लिए बनता है? सी माइनस डी के लिए बनता है। दूसरा वाला भाग किसके लिए बनता है? सी माइनस डी के लिए। तो देखो कैसे, आप समझो, ये देखो, ये वाला देख रहे हैं पहला वाला साइन। अब हमारे को साइन सी प्लस साइन डी निकालना है, तो हमको मालूम है कि टू आएगा, एक आएगा सी प्लस डी बाय टू, और दूसरा आएगा सी माइनस डी बाय टू। पर सी प्लस डी बाय टू में साइन लगाना है कि कॉस लगाना? तो ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है, देखो कि सी प्लस डी बाय टू में पहले क्या लगेगा? साइन, और बाद में क्या लगेगा? कॉस। सेम चीज़ यहाँ देखो, टू याद रखना कि टू तो लगेगा ही लगेगा, सी प्लस डी बाय टू में साइन, और बाद वाले में क्या लगेगा? कॉस लगेगा, इसने बोल दिया। अब इससे देख के बताओ ये क्या बोल रहा है, ये साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला है, तो साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी। ऐसा साइन कॉमन मत ले लेना इसमें से, कॉमन नहीं निकलता इसमें। तो साइन सी माइनस साइन डी ये बताएगा कि पहले कौन आएगा? कॉस। तो ये देखो पहले कॉस आया, कॉस में कौन आएगा? सी प्लस डी बाई टू। बाद में कौन आएगा? बाद में कौन आएगा? साइन। अच्छा दिमाग में और चढ़ाते हैं, देखो आपको कॉस का फॉर्मूला मालूम होगा, कॉस ए प्लस बी का वैल्यू है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो अब इतनी मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं है, इतना लंबा डेरिवेशन नहीं लिखना कि कॉस ए प्लस बी लिखा, कॉस ए माइनस बी लिखा, फिर ऐड किया, फिर सब्ट्रैक्ट किया, करना आपको मर्जी हो। तो अभी तो मैं आपको ट्रिक से कॉस सी प्लस कॉस डी का बताता हूँ। कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी में ये वाला भाग आएगा, कौन सा वाला? ये पहला वाला भाग सी प्लस डी बाय टू का, दूसरा वाला भाग सी माइनस डी बाय टू, सी प्लस डी का, और वो सी माइनस डी का। तो इसमें आएंगे दोनों कॉस के आएंगे, तो ऐसा आ जाएगा टू कॉस सी प्लस डी बाय टू और कॉस सी माइनस डी बाय टू, दोनों कॉस के। क्यों? क्योंकि कॉस सी प्लस कॉस डी है, पहला वाला भाग किसका है? सी प्लस डी का, दूसरा वाला भाग किसका है? सी माइनस डी के फॉर्मूले के लिए। अब जैसे कॉस सी माइनस कॉस डी लिखना है मुझे, तो कॉस सी माइनस कॉस डी में कौन आएंगे? दोनों आएंगे, कौन आएंगे? दोनों साइन आएंगे, लिखा है ना इसमें, दोनों साइन आएंगे। तो और शुरू में क्या आएगा? टू, पर ये माइनस का है तो इसलिए माइनस आएगा, माइनस टू साइन सी प्लस डी बाय टू साइन सी माइनस डी बाय टू। और कोई अगर इस माइनस को अंदर भेज देगा उधर, तो ऐसा भी लिख सकते हैं उसको, टू साइन सी प्लस डी बाय टू साइन डी माइनस सी बाय टू, ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो देखो दोस्तों बिल्कुल चिंता नहीं करो, आपने अगर दो फॉर्मूले लर्न किए, कौन कौन से दो फॉर्मूले जो मैं दो बता रहा हूँ आपको, ये अगर आपको आते हैं, ये भी नहीं आता है, मान लो कि ये भी नहीं आता आपको, फॉरगेट दिस, इसको भी आप भूल गए। अगर मान लीजिए आपको कौन से आता है, एक तो ये आता है साइन ए प्लस बी, एक आता है आपको कॉस ए प्लस बी। तो ये आपका जो भाग है, ये वाला जो है, ये वाला साइन सी प्लस साइन डी के लिए, ये वाला भाग है साइन सी माइनस साइन डी के लिए, ये वाला भाग किसके लिए?
कॉस ए कॉस बी, ये वाला भाग आपका कॉस सी प्लस कॉस डी के लिए, कौन सा वाला, ये वाला, और ये किसके लिए है, कॉस सी माइनस कॉस डी के लिए। तो इस तरीके से आप ध्यान रखो, क्लियर है क्या मेरी बात। अब ये जो दो फार्मूले थे, ये फोर्थ और फिफ्थ भी फार्मूला ही है, फोर्थ और फिफ्थ भी फार्मूले हैं। तो फोर्थ और फिफ्थ जैसे भी फार्मूले आएंगे, कैसे आएंगे सुनिए। अब अगर अपने पास ये साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी है, तो इसमें कौन सा होगा, इसमें होगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। मैं ये वाला भाग रब करता हूँ, फिर फाइनली एक बार लिखूंगा सब चीजें। अब देखो, अब आपके पास है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, तो चाहे तो अपन दोनों की वैल्यू रख दे, लेकिन इनको फॉर्मूले जैसा भी ध्यान रखना पड़ता है। तो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, तो इसमें भी यही आएगा, कौन सा वाला आएगा, ये, तो क्या आ जाएगा, टू कॉस ए कॉस बी, और कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी हो तो फिर ये वाला भाग आएगा, कौन सा वाला भाग आएगा, ये वाला भाग आएगा, माइनस टू साइन ए साइन बी, माइनस टू साइन ए साइन बी, ये वाला भाग आ जाएगा, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मेट आ जाएगा। तो अभी अपन 11 मिनट हो चुके हैं और 11 मिनट में हमने 8 फॉर्मूले देखे हैं। अब मैं आपको फॉर्मूले लिखना बताता हूँ कि फाइनली आप इसको समअप कैसे करेंगे और कैसे इसका यूज करेंगे। तो समअप करते हैं अपन, तो समअप करने के लिए पहले आप सुनिए, पहले आपके पास है साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, क्या है साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये वाला जो मैंने बोला था ना आपको, ये वाला किसके लिए है, साइन सी प्लस डी के लिए है, ये वाला है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी के लिए। तो ऐसा है, एस प्लस एस दोनों साइन के हों, साइन सी प्लस साइन डी हो, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी हो, तो ये वाला भाग आएगा टू एस सी, टू एस सी। अगर आपको साइन सी माइनस साइन डी निकालना है या साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी निकालना है, तो ये वाला आएगा टू सी एस, टू सी एस। इसी तरीके से आपका पास कॉस कौन सा है, कॉस ए प्लस बी होता है आपका कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये सी प्लस सी ए है आपका, सी प्लस सी कौन होगा, टू सी सी, और सी माइनस सी कौन होगा, माइनस टू एस एस, माइनस टू एस एस। तो फॉर्मूला कैसे लगाना है, तो फॉर्मूला लगाना इज नॉट एन इश्यू, बहुत सिंपल है। कैसे लगाओगे फॉर्मूला मैं आपको बता दूं। अब आपको वैसे तो समझ में आ गई ये बात, तो आप स्किप भी कर सकते हो, बस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना ताकि औरों का भी भला हो। अपने चक्कर में रहेंगे तो आप अपने टीचर का भी फायदा नहीं करा पाएंगे और अपना भी। तो हमको आगे बढ़ना है और आगे बढ़ाना है। साइन सी प्लस साइन डी इसमें देख के लगा देता हूँ मैं, देखो टू साइन सी प्लस डी बाय टू कॉस सी माइनस डी बाई टू, ठीक है ना, एकदम परफेक्ट। अब आप समझ तो गए हो, साइन सी माइनस साइन डी होगा तो कैसे लिखोगे, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू, कॉस सी प्लस कॉस डी होगा तो टू कॉस सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू, और कॉस सी माइनस कॉस डी होगा तो एक लिख देता हूँ कॉस सी माइनस कॉस डी का, है ना, तो इससे अपने तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एक बार करके भी देख लेना, आप करके देखोगे ना तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। आप देखो बहुत होशियार बच्चे हो जो इतनी देर तक टिके हुए हो, आप देख रहे होगे इस स्टेप तक आ गए हो, इसका मतलब ही आप बहुत होशियार बच्चे हो। और मुझे यहाँ से कैसे पता चला, तो मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है, मैं पीएचडी मैथमेटिक्स में ही हूँ तो, और बच्चों को इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ कि जिससे मुझे अनुभव हो गया कि बच्चों को कहाँ कैसी प्रॉब्लम आती है। तो जैसे मैंने साइन सी प्लस साइन डी का इससे बना दिया, साइन सी माइनस साइन डी का आप इससे बनाना, कॉस सी प्लस कॉस डी का इससे, कॉस सी माइनस कॉस डी का इससे। अब बस इसमें एक ही दिक्कत कभी कभी आती है, ये माइनस अंदर ले जाते हैं, अगर ले जाना हो तो ले जाना, वरना आप ऐसे ही रख देना। अब इनका दूसरे तरीके से कैसे यूज़ करना है, दूसरे तरीके से देखो, टू कॉस ए
साइन बी का फॉर्मूला चाहिए, इसकी एक्सरसाइज है, इसके बाद में एक एक्सरसाइज है जिसमें मैंने ढेर 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 सारे इसके क्वेश्चंस भी लिखे हुए हैं, तो आप देखना इनमें एक्सरसाइजेस भी देखना, काफ़ी ट्रिग्नोमेट्री के वो चैप्टर्स मैंने एक्सरसाइज के फॉर्म में किए, काफ़ी वीडियोस बनाए, आप उससे टच में रहेंगे तो देखो आप कैसे जादू के जैसा कर लेंगे। मेरा पूरा यकीन है आपको कि आप आगे बढ़ेंगे, देश आगे बढ़ेगा, हम सब आगे बढ़ेंगे। टू कॉस ए साइन बी, टू कॉस ए साइन बी, अब ये उल्टा लगेगा यूँ, तो देखो टू सी एस ये वाला लगेगा, टू कॉस ए साइन बी, तो ये हो जाएगा आपका साइन ए प्लस बी माइनस। एक बार मेरे बच्चों इसकी एक्सरसाइज अपन ने कर ली ना और दिमाग में उतार ली तो अपने को कभी भी दिक्कत आनी नहीं है। अगर आपको टू कॉस ए कॉस बी लगाना है, टू कॉस ए कॉस बी लगाना है, तो टू कॉस ए कॉस बी मेरे बच्चों ये लगेगा, जिसमें टू सी सी लिखा ये लिखा ना, तो यू लगेगा, तो फिर ऐसा हो जाएगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। अगर आपको माइनस, अब आपको टू एस एस का लगाना है, टू साइन ए साइन बी का है ना, और माइनस तो दिया नहीं रहेगा, तो आप एक काम करना, कुछ मत करना, इस माइनस को वहां भेज देना, ये माइनस को इधर भेज देना, तो ये माइनस इधर भेज दिया और ब्रैकेट लगा दिया, ये क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, ये हो जाएगा कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। तो ये इस तरीके से है ना, ये आपका आ गया। आप पहले आ गए समझ में, पहले स्किप करके आगे बढ़ जाएं, नहीं आया थोड़े साथ साथ बने रहे है ना, और ये आप जो काम करेंगे इससे हमारा सबका फायदा है। सबका किस तरीके से, मेरी अगर जो रीच है वो बढ़ेगी, लोग आप जैसे बच्चे मेरे साथ जुड़ते रहेंगे, जब हम आपस में कनेक्ट होंगे तो वी विल बी लाइक अ फैमिली, मैं आपके लिए नई नई चीज़ करते रहूँगा, नया नया काम होता रहेगा, और उन बच्चों तक ये पहुँचेगी मेरे दोस्तों जहाँ तक ये टीचर्स बता नहीं पाते हैं, जहाँ रूरल एरिया है, ट्राइबल एरिया है, जहाँ बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते, वो लोग इसको देख पाएंगे, और जो उनमें से आगे बढ़ना है आगे बढ़ेंगे, देश आगे बढ़ेगा, हम सब आगे बढ़ेंगे। तो ये देखो हमने इसका यूज़ किया। अब टू साइन ए कॉस बी क्या होगा, टू साइन ए कॉस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो इस तरीके से। तो सारा कुछ किस पे छुपा हुआ है, इन दो फॉर्मूलों पे छुपा हुआ है, इन दोनों पे, ये साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, और साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, ये सब इसमें छुपा हुआ है। अब ये सारे फॉर्मूले तो वो हो गए जो सी प्लस डी के थे, और इनके बेसिस पे अपन चार और चार आठ फॉर्मूले सीख पाए। अब आप कभी भी नहीं भूलोगे इन इन दो से, आप अगले आठ फॉर्मूले आपको ध्यान में रहेंगे। अब आपके पास साइन, मेरे बच्चों साइन ए प्लस बी पे फिर आ जाते हैं। अब हम मल्टीपल एंगल्स के फॉर्मूले देख रहे हैं, तो साइन ए प्लस बी कितना होता है मेरे बच्चों, साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब मुझे साइन टू ए के लिए फॉर्मूला बनाना है, तो मैं बी की जगह क्या डाल दूंगा, ए डाल दूंगा, तो ये मेरा पास बन जाएगा साइन ए प्लस ए, साइन ए प्लस ए क्या बन जाएगा, साइन टू ए बन जाएगा, और यहाँ पे रख दूंगा मैं साइन ए कॉस ए, सॉरी साइन ओके साइन ए कॉस ए, और ये हो जाएगा मेरे बच्चों कॉस ए साइन ए, साइन ए कॉस ए और कॉस ए साइन ए दोनों एक ही तो हैं, तो ये बन गया हमारा टू साइन ए कॉस ए, ये क्या बन गया साइन टू ए हमारा हो गया टू साइन ए कॉस ए, टू साइन ए कॉस ए। अब इसी तरह से ये साइन ए साइन टू ए के दो फॉर्मूले, एक तो टू साइन ए कॉस ए, और दूसरा है आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर आप इसको ऐसा लिख दो टू साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस ए से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ये क्या हो जाएगा आपका टू टेन ए, और कॉस स्क्वायर ए नीचे चला गया, बन गया सेक स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा टू टेन ए, और टेन स्क्वायर ए को सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं वन प्लस टेन स्क्वायर ए,
sec स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया, कौन सा वाला फॉर्मूला बन गया, साइन 2a का। क्या फॉर्मूला बन गया, 2 tan a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और 2 sin a cos a। तो इस तरीके से आपके पास दो फार्मूले आ गए, किसके फार्मूले आ गए हैं, साइन 2 के, साइन 2a के। ये मल्टीपल एंगल है साइन 2a का। तो साइन 2a के दो फार्मूले आ गए आपके पास, कौन कौन से दोनों फार्मूले हैं मैं लिख देता हूं। पहला है 2 sin a cos a और दूसरा है 2 tan a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। पूरी ट्रिग्नोमेट्री इसी पर टिकी हुई है बच्चों। अब आपके पास cos a प्लस बी का जो फॉर्मूला है, ये आपके पास एक फाइनल फॉर्मूला आ गया है साइन 2a का। अब आपके पास cos a प्लस बी जो है आइडेंटिटी, देखो cos a प्लस बी क्या है, cos a प्लस बी ये लिखा हुआ है और इसमें b की जगह अगर a लिख दोगे, आप ध्यान से देखिए, अगर b की जगह क्या लिख दोगे, a लिख दोगे, तो ये बन जाएगा cos a प्लस ए। ए प्लस ए से क्या बन जाएगा, ये cos 2a, और cos 2a से क्या बन जाएगा, ये cos a इंटू cos a, cos a इंटू cos a, अभी ऐसे ही लिख देता हूँ, cos a इंटू cos a माइनस साइन ए इंटू साइन ए। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये आपका cos 2a का फॉर्मूला आ गया, किसका, cos 2a का। क्या फॉर्मूला है cos 2a का बच्चों, cos स्क्वायर a, यहाँ से लिखता हूँ, उनसे और निकलते हैं रिजल्ट्स। cos 2a का एक फॉर्मूला हो गया आपके पास cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर ए, cos 2a का एक फॉर्मूला। अब अगर मैं cos स्क्वायर a को मेरे बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर a लिख दूँ, cos स्क्वायर a को क्या लिख दूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये माइनस साइन स्क्वायर ए और ये माइनस साइन स्क्वायर ए, ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए। अगर मैंने कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये माइनस साइन स्क्वायर ए और ऐड हो जाएगा। अब अगर इसको मैं रब कर देता हूँ, यह तो आप समझ चुके हैं, इसलिए अब अगर इसमें एक और काम कर दें, साइन स्क्वायर ए को लिख दूं मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्या लिख दूं, साइन स्क्वायर ए को मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, और जो मैं माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखूंगा वो प्लस हो जाएगा, तो ये ऐसा हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। तो कॉस 2a के ये तीन आ गए। एक और फॉर्मूला है कॉस 2a का, वो फॉर्मूले के लिए थोड़ी सी मेहनत है, इसमें से कॉस स्क्वायर ए कॉमन लो, तो देखो क्या निकल रहा है, क्या कॉमन नहीं, फिर भी निकाल दिया, तो फिर ऐसा करना है, यहाँ पे लिख दिया माइनस और यहाँ पे लिख देना साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ताकि आप मल्टीप्लाई करोगे तो वापस से वैसे ही बन जाए, कॉस स्क्वायर ए और ये कॉस स्क्वायर ए कट जाएगा, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, फिर यही आ जाएगा। कॉस स्क्वायर ए को नीचे ले जाओ, 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा आपका 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। अब सेक स्क्वायर ए को आप लिख सकते हो, सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हो आप 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, जैसे हमने ऊपर लिखा था ना। तो आपके पास फॉर्मूले कौन कौन से आए, एक ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया, ये तो प्रोसीजर है, एक ही आ गया, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, इन दोनों से भी नए नए निकलेंगे फॉर्मूले, ये भी ध्यान रखना है। तो आप ऐसा करें, लिख लिख के कर करके देखेंगे ना, तो यू विल बी वेरी कंफर्टेबल। ये cos 2a है, ये भी cos 2a, देखो ये माइनस 1 को उधर भेज देता हूँ, तो ये क्या बन जाता है मेरे बच्चों, ये बन जाता है 1 प्लस cos 2a, ये बन जाएगा 1 प्लस cos 2a, और राइट साइड में कितना रह जाएगा, 2 cos स्क्वायर। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, बहुत पॉपुलर फार्मूला है, 12th क्लास में भी बच्चे इसमें गड़बड़ कर देते हैं। अब इसमें सुनो, इसमें क्या करेंगे, इसको देखो माइनस 2 साइन स्क्वायर को उधर ले जाऊंगा, क्या बन जाएगा मेरा, 2 साइन स्क्वायर, और मैं cos 2a को इधर ले आऊंगा, तो ये बन जाएगा 1 माइनस cos 2a। ये है मेरे बच्चों, ये फॉर्मूले हैं किसके, cos 2a के, 1, 2, 3, 4। और ये भी दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको करना क्या होगा, आपको करना कुछ भी नहीं, कर करके देखना है, जैसा मैंने बोला उसी स्टाइल में चलोगे
एक दो बार तीन बार प्रैक्टिस की, उसके बाद तो यू विल बिकम अ मास्टर पीस, फिर आप सबको बताओगे। अब आपको एक 10a+b का फॉर्मूला है, आपको याद होगा वो फॉर्मूला है, 10a+10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। अब अगर आपने b की जगह a रख दिया तो क्या बन जाएगा? अब तो आप समझ गए, तो डायरेक्टली लिख देता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा 10 2a a+a, यहाँ हो जाएगा 10a+10a 2 10a अपॉन 1 माइनस 10a × 10a, क्या बन गया? 10² a। तो ये भी आ गया आपके पास फॉर्मूला। 10 2a का फॉर्चुनेटली एक ही है, सबसे ज़्यादा कॉस के हैं, कितने कॉस के? 1 2 3 और 4, ये 1 है। ये भी ध्यान रखना पड़ता है, ये भी रखना पड़ता है, ये भी रखना पड़ता है, और ये भी। अब कौन सा कब लगेगा वो आपको इसकी ज़रूरत से समझ में आ जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला कब लगेगा। तो ये आपने ये सारे फॉर्मूले इन तीनों से निकाल लिए। 10 में एक और फॉर्मूला है, वो भी लिख देता हूँ, 1 क्या 2 हो जाएंगे उससे। अगर a की जगह मैं पाई बाय 4 लिख दूँ, 45 डिग्री लिख दूँ, ये भी आप ध्यान रखना, और b की जगह थीटा लिख दूँ, तो क्या बन जाएगा देखना? ये बन जाएगा 10 45 डिग्री + थीटा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 10 45 डिग्री, 10 45 डिग्री होता है 1 प्लस, यहाँ आ जाएगा 10 थीटा अपॉन 1 माइनस 10 45 डिग्री, यानी 1 1 × 10 थीटा, ये 10 थीटा हो जाएगा। इसमें दूसरा वाला जो बोल रहा था वो बहुत सिंपल है, अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा? प्लस। तो ऊपर प्लस है तो ऊपर वाला, ऊपर वाला, नीचे में तो नीचे नीचे और नीचे वाला, ऐसे लेना। तो ये भी आपके पास 10 के फॉर्मूले, ये बहुत पॉपुलर है और अच्छा ध्यान रखेंगे आप, आपको फ़ायदा मिलेगा इनको। अब इनको आगे बढ़ाना हो मेरे बच्चों तो कैसे करेंगे इस्तेमाल, मैं आपको और बताता हूँ। ये तो मल्टीपल एंगल्स हो गए। अब अगर मुझे साइन ए का निकालना है हाफ एंगल, अब इसको कहते हैं सब मल्टीपल। क्या कहते हैं इसको? सब मल्टीपल, सब मल्टीपल, सब मल्टीपल, सब मल्टीपल, सब मल्टीपल, यानी मल्टीपल में और डबल होंगे और डबल होंगे, सब मल्टीपल में उसके आधे हो जाएंगे। तो जैसे साइन ए का निकालना है तो सिंपल है, देखो यहाँ 2a है तो वहाँ एंगल का आधा a और a हो गया, तो यहाँ पे एंगल का आधा क्या हो जाएगा? ये 2 में कोई चेंज नहीं आएगा, एंगल में चेंज आएगा खाली। चाहो तो आप ऐसा भी कर सकते हो, 2a a की जगह क्या रख दो, a की जगह मैं आपको थीटा रखा देता हूँ, ओ सॉरी थीटा बाय 2 रख देता हूँ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन थीटा, 2 से कट जाएगा ये, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 sin θ/2 cos θ/2, ऐसा बन गया, इसके जैसे ही बन गया ना। वैसे आप तो ध्यान रखो, आप इतना कहाँ उलझन में फंस रहे हो, उलझन में ज़्यादा फंसना ही नहीं, एकदम श्योर शॉट रहना है, आगे बढ़ना है। खाली एंगल में चेंज आता है, एंगल में चेंज आता है ना। फॉर्मूले में ए की जगह a/2 लिख दो, जहाँ जहाँ ए लिखा वहाँ a/2 लिख दो, यहाँ a/2 लिखोगे ए हो जाएगा, यहाँ a/2 a/2, यहाँ भी a/2, यहाँ भी a/2, ऐसा। अब आप इस वाले का बना लो, तो ऐसे जितने चाहे उतने अब बन जाएंगे, लेकिन अभी और बेसिक बेसिक बातें अपन करते हैं आपके साथ। आप एक बार में खुश हो गए, मास्टर बन गए, मुझे उससे ज़्यादा खुशी कुछ होगी ही नहीं। आप लिख देंगे कि अरे सर आपने जो बताया मेरे को एकदम से सब समझ में आ गए, तो मेरे को सबसे ज़्यादा मेरे बच्चों खुशी होगी। अब ये दूसरा वाला देखो, इसमें लिखा है 1 - 2 sin²a, तो ये हो जाएगा 1 - 2 sin²a/2। फिर तीसरा वाला 2 cos²a/2 - 1, चौथा वाला 1 - 10² a/2 upon 1 + 10² a/2, और इसको इधर ले गए, जैसे वो बनाए ना वो डबल राइट वाले, इसको उधर ले गए, उसको उधर ले गए, तो ऐसा हो जाएगा ये 1 - cos²a/2। थोड़ी सी आपकी कोशिश, थोड़ी सी हम मेरी कोशिश,
हम सब आगे निकल जाएंगे। हम निकलेंगे तो मैं बार बार यही कहता हूँ मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, देश आगे निकल जाएगा, सब आगे निकल जाएंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, कौसे कौसे के ये चार हो गए, उनसे ये दो और निकल जाते हैं, छह हो जाते हैं। अब टेन ए का, तो टेन वाला फॉर्मूला मैंने तो रब कर दिया क्योंकि जगह नहीं थी, लेकिन ये आ जाएगा आपके पास 2 tan a/2 और अपॉन में आ जाएगा 1 minus tan square a/2। इसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर ये ध्यान रखना है ना, एक किसका मैं बोल रहा हूँ, इसमें प्लस है, साइन में भी इसके जैसा ही फॉर्मूला रहता है, लेकिन साइन में क्या रहता है, यहाँ पे प्लस रहता है, यहाँ पे क्या रहता है देखो आप, प्लस है यहाँ पे, और इसमें क्या रहता है यहाँ पे, यहाँ माइनस रहता है। इसमें भी देखो यहाँ पे प्लस है, और यहाँ पर ये टेन वाला लिखा नहीं है, वो मिटा दिया, यहाँ लिख देता हूँ मैं टेन टू ए का, टेन टू ए में माइनस आता है, टेन टू ए में माइनस आता है 2 tan a/1 minus tan square a। अब अगर अपने को साइन फोर ए का बनाना है तो कोई चिंता की बात नहीं है, वो मल्टीपल में आएंगे, है ना, सब मल्टीपल में कम होते हैं, मल्टीपल में बढ़ते हैं, तो जैसे साइन फोर ए का बनाना तो कोई खास बात नहीं है। अब आपने लिया साइन फोर ए का क्या हो जाएगा, इसको इसमें ए की जगह 2a लिख दो तो 2 into 2a 4a हो जाएगा, वहां भी 2a, वहां भी 2a आ जाएगा। तो चाहे तो जितने आप जितने चाहे उतने बना लें, और उधर आ जाएगा राइट साइड में आपके पास 2 tan 2a/1 plus tan square 2a। ठीक है, और आगे बढ़ना हो और आगे बढ़ जाओ, जितना आगे बढ़ना उतना बढ़ जाओ, जितना पीछे जाना नीचे जाना उतना जाओ। क्लियर है क्या मेरी बात? तो ये हमने मल्टीपल भी देखे, ये सब मल्टीपल भी देखे, आप अपनी कॉपी पे लिखते जाएं, एक चार्ट बना के रख लेंगे, आपका काम हो जाएगा। 3a के लिए डेरिवेशन उसका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, 3a वालों का, तो 3a के तीन फॉर्मूले ही हैं बच्चों, और वो आखिरी आखिरी में है, लेकिन हाँ अगर आपको आ गए, याद हो गए, तो आपसे होशियार कोई रहेगा ही नहीं, तो वो 3a के मैं तीनों फॉर्मूले लिख देता हूँ, और होपफुली मेरे को पूरी उम्मीद है कि आप इतने होशियार बच्चे हो जिन्होंने अभी तक मेरा साथ दिया, आप देखते रहें, तो वो है साइन 3a, 3 sin a माइनस 4 sin³ a। तो जब आप बहुत अच्छे होंगे तो आपसे यही फॉर्मूले पूछे जाएंगे कि इसमें कोई गड़बड़ नहीं करते बच्चा, cos 3a हो जाएगा 4 cos³ a माइनस 3 cos a, और tan 3a का फॉर्मूला है 3 tan a माइनस टेन क्यूब ए अपॉन अपॉन 1 minus 3 tan square a। तो मेरी बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि ये तीन अलग से ध्यान रखने को बोला है मैंने, बाकी मैंने सब लिंक करके आपको बता दिए। और मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे जूनियर उस्तादों, मेरे स्टूडेंट्स, अच्छे स्टूडेंट्स, चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाना, और इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप सर्कुलेट करोगे उतना लोगों को फ़ायदा होगा, और आगे के वीडियोस देखते रहना, पूरा चैप्टर करेंगे, कोई किसी प्रकार का हिडन इंटरेस्ट और चार्ज नहीं है, केवल सर्विस सर्विस सर्विस। विश यू ऑल द बेस्ट।